दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। जबरदस्त खबरें लेके आया हूँ। लाइक एवरी टाइम हमेशा अच्छी खबरें देते हैं, लेकिन इस टाइम जरा नेक्स्ट लेवल की है। फॉर एग्जांपल एलोन मस्क जी जो है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए अब वो $8 कॉस्ट करने वाला है। जी हाँ, अगर आप ट्विटर पे हो और अगर आपको ब्लू वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट या फिर ब्लू टिक चाहिए तो $8 देने पड़ेंगे। ये जो डिसीजन है, आपको क्या लगता है, इज इट राइट रॉन्ग? क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे आप देखोगे, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा है डिसीजन, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा है। वैसे दोस्तों एक बात कहूं, वेरिफिकेशन जो है ना ट्विटर का, वो थोड़ा वॉन्की है। क्यों पता है? मैंने खुद ने कुछ एक या दो बार कोशिश की और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भी मेरे जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं मिला हुआ है। चलो मैं अब $8 ही दे दूंगा। क्या लगता है, $8 पर मन ज्यादा है, कम है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताएगा। वैसे व्हाट्सएप की तरफ से भी खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर है ये। व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर रोल आउट हो रहा है। यस, ग्रुप्स के साथ में अब कम्युनिटी होगी, तो कम्युनिटी उसके नीचे ग्रुप्स, उसके नीचे पर्सनल चैट्स वगैरह, ऐसे कुछ होने वाला है। टोटल 32 पीपल एक ही वीडियो कॉल में आ सकते हैं। फाइल शेयरिंग अब 2 GB तक बढ़ा दी है। एंड ग्रुप्स की जो कैपेसिटी है 1024 पीपल, 1000 लोगों से ज्यादा का ग्रुप हो सकता है। दोस्तों 5G ले रहे हैं लोग, एटलीस्ट एयरटेल ने जो कहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है। एयरटेल 5G के जो यूजर्स हैं 10 लाख क्रॉस कर गए हैं फर्स्ट 30 डेज में। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि याद रखिए कुछ ही अवेलेबल 7 या 8 सिटीज में ही अवेलेबल है ये एयरटेल का 5G, फिर भी 10 लाख लोगों ने ले लिया है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। जियो के नंबर्स अभी तक बाहर नहीं आए, लेकिन मुझे सही में देखना है कि जियो के कितने होंगे, आपके हिसाब से कितने। अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर एयरटेल के 10 लाख है तो इनके 20-25 लाख तो होने चाहिए। ऑलराइट, नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। नोकिया ने उनका G60 5G लॉन्च कर दिया है। 6.58 इंच की FHD प्लस स्क्रीन, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, इस पुराने प्रोसेसर पे आता है ये। AI ट्रिपल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज है, 4500 mAh की बैटरी एंड 20 वॉट चार्जिंग। प्राइस पता है दोस्तों, 695 को 30,000 रुपए आप दोगे? 29999 प्राइस आई हुई है। उसमें तो मैं एक 8 सीरीज के चिपसेट वाला फोन ले लूं। नोकिया हमेशा यही करता है दोस्तों, ओवर प्राइस कर देता है। चलिए अब बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेस की, जो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर रियलमी के जो नंबर सीरीज है, रियलमी 10 प्रो प्लस, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि ये कर्व्ड डिस्प्ले के साथ होने वाला है। पहली बार जो रियलमी की नंबर सीरीज है वो दैट इज गोइंग टू कम विद कर्व्ड डिस्प्ले। और आपको पता है कर्व्ड डिस्प्ले जनरली प्रीमियम फोन्स में आते हैं। 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर एंड 1080 ये डायमेंसिटी प्रोसेसर होने वाला है इसमें 5G का। 6.4 इंच की स्क्रीन, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, 67 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आने वाला है। ऑलराइट, लावा के बारे में बात करते हैं। लावा ब्लेज 5G ये शोकेस किया गया है IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 लास्ट महीने जो हो गया। अब इसकी जो प्राइस है ये नवंबर 7 को रिवील होने वाली है। याद रखिए ये डायमेंसिटी 700 इस प्रोसेसर पे, अगेन पुराना प्रोसेसर है लेकिन लावा है दोस्तों, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। 5000 mAh की बैटरी है, 6.5 इंच की FHD नहीं HD प्लस स्क्रीन है, 90Hz का डिस्प्ले है। प्राइस क्या होगी? एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है, एंड्रॉइड 13 नहीं। एंड अगर इसकी प्राइस दोस्तों 15,000 से कम नहीं, 12,000 से कम होती है तो मुझे लगता है अच्छा होगा। बट लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। प्राइस नवंबर 7। WTF न्यूज ऑफ द डे दोस्तों, ओ माय गॉड। हम 5G के बारे में बात कर रहे हैं, एयरटेल बता रहा है कि 10 लाख 5G यूज हो गए, और BSNL ने अब यह कह दिया है कि उनका जो 4G है दोस्तों वो और 18 महीनों से डिले हो गया है। जी हाँ, मैंने पिछले टेक न्यूज में बताया था आपको कि जैन 2023 मतलब 2-3 महीनों के बाद वो 4G लॉन्च करें, 5G नहीं, 4G लॉन्च करने वाले थे। अब उन्होंने ये कहा है कि हमारा इक्विपमेंट डिले हो गया, ये इशू है, वो इशू है, 18 महीने से आगे बढ़ गया। इसका मतलब 2024 एंड में BSNL का 4G आएगा। कौन लेगा? सीरियसली कौन लेगा? ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। और लीक्स एंड रूमर्स क्या होते हैं दोस्तों? लॉन्च के पहले जो स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं, वैसे सभी फोन्स के ऐसा मुझे नहीं लगता एक भी फोन है कि लॉन्च होने से पहले उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो लीक नहीं हुए हैं। अब रेडमी K60 के स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं बाहर। जी हाँ, ये डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर पे होने वाला है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप है, 5500 mAh की बड़ी बैटरी होने वाली है, 67 वॉट चार्जिंग। सो K60 इज लुकिंग गुड, बट वी नो ऑल द स्पेसिफिकेशंस बाय। ऑलराइट, सैमसंग गैलेक्सी S23 के बारे में बात करते हैं। वैसे लीक्स एंड रूमर्स के मामले में S सीरीज जो होती है ना सैमसंग की, सबसे ऊपर होती है। लॉन्च के पहले 6 महीने से हर 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है, लीक्स एंड रूमर्स आते रहते हैं। जी हाँ, S23 का जो लाइनअप है ये लॉन्च होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी 2023 में। जी हाँ, ऐसे लग रहा था और ऐसे भी लीक्स आए हुए थे कि वो थोड़ा प्रीपोन होगा लॉन्च, शायद फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ जैन में लॉन्च होने वाला है, लेकिन नहीं, इट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी। वैसे ये लॉन्च है लेकिन अवेलेबिलिटी मतलब एक्चुअली आपको कब मिलेगा? फेब 17 से।
या नाउ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जी हाँ, लीक्स एंड रूमर्स ही हैं ये. आपको तो पता है दोस्तों, रेडमी नोट 12 चाइना में, ये सीरीज नहीं, रेडमी नोट 12 जो है वो चाइना में लॉन्च हो गया है, लेकिन इंडिया में वो किस नाम से आएगा? ऑब्वियसली पोको. जी हाँ, रीब्रांड होके पोको के नाम से आने वाला है, क्योंकि BIS लिस्टिंग आ गई है, उसके ऊपर क्लियरली दिख रहा है पोको की ब्रांडिंग दिख रही है. सो रेडमी नोट 12 5G जो है वही जो स्पेसिफिकेशन चाइना में लॉन्च हुए हैं, एज रेडमी नोट 12 विल कम टू इंडिया एज पोको. आई एम नॉट श्योर पोको M सीरीज का कोई फोन हो सकता है, या X सीरीज का, सॉरी नॉट M, X सीरीज. बहुत लोग रुके हुए हैं IQ Neo 7 के लिए दोस्तों. अब ये जो है इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं. IQ Neo 7 SE जो होने वाला है दोस्तों, ये Dimensity 8200 इस प्रोसेसर पे होगा. FHD प्लस स्क्रीन, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP का OIS कैमरा होने वाला है, 5000mAh की बैटरी एंड द बिग 120W चार्जिंग, दैट इज IQ Neo 7 SE. अब दोस्तों आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट का वक्त होता है रैपिड फायर का. अगर आप iPhone यूजर हो, जी हाँ मुझे पता है, और 5G आपके इधर आया हुआ है, तो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर 5G कनेक्टिविटी, वो जो अपडेट देने वाले थे सेकंड वीक ऑफ नवंबर, मतलब अगले हफ्ते ये लॉन्च होने वाला है, मतलब आने वाला है, रोल आउट होगा अपडेट 5G का. वैसे दोस्तों सैमसंग ना इस टाइम कुछ नया चीज करने वाला है S23 के साथ, लाइट परफॉर्मेंस मोड लेके आने वाले, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी लाइफ है वो एक्सटेंड होगी. व्हाट्सएप पे अभी भी लोग बहुत मस्ती करते हैं, जी हाँ स्कैमस्टर्स बहुत सारे होते हैं, और इसीलिए व्हाट्सएप ने सितंबर 2022 में 26,00,000 अकाउंट जो है बैन कर दिए. और दोस्तों लिपस्टिक नहीं, सॉरी नथिंग ईयर स्टिक, जी हाँ लिपस्टिक जैसी दिखती है, इसके ऊपर एक खबर आई हुई है. अगर आपने पहला कोई नथिंग का प्रोडक्ट लिया हुआ है तो 1,000 रुपए आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑफ मिलने वाले हैं नथिंग ईयर स्टिक के ऊपर. चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1409 होती है खत्म इधर ही. अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.